अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गई आज की शुरुआत, बज रहे हैं 10:45। हाँ, 10:45 ही हो रहा है। तो संडे था तो भी जाहिर है, देखिए संडे है ना तो नींद मारने वाला टाइम तो रहता है, खास करके मम्मियों के लिए। बट वही दिन लोगों को बहुत ज़्यादा कम नींद मिलती है, क्योंकि बच्चों को खुशी के मारे या छुट्टी करके वो लोगों की नींद खुल जाती है, और जिस दिन स्कूल होती है उस दिन सोते रहते हैं हम, उठा उठा के थक जाएँ तब जाके ये लोग उठते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, काम वाम तो मेरा बचा हुआ है। देखिए जैसे कपड़े मैंने भिगाए हैं, अभी मेरे को ये धोने हैं, ये मैंने सुबह भिगाए हैं। तो गौहर ने जो मैं बताई थी ना आप लोगों को, गौहर लेकर गई थी स्कूल में, अपना ये प्रोजेक्ट था उसका, क्ले से मतलब बहुत सारे फ्रूट्स बनाने थे, बहुत सारे मतलब 4-5, 2-3 ऐसा बनाओ। तो गौहर ने लेकर गई थी क्ले और उसने बनाकर लाई है। मैं आप लोगों को बताना कल भूल गई, गौहर मेरे पीछे पड़ी, क्या अभी बता दूँ तो मैं बताती हूँ। चलो, तो गौहर ने ये क्ले बनाई है, मतलब क्ले से उसने क्या क्या चीज़ें बनाई वो लेकर आई स्कूल से, टीचर ने इसको वेरी गुड दिया। ये क्या गौहर? चेरी। ये चेरी है जो क्ले से बनाई है गौहर ने, देखिए असली लग रही ना पूरी। और ये है बनाना, वाह क्ले से बनाई है माशाल्लाह। और ये है स्ट्रॉबेरी, वाह स्ट्रॉबेरी ऐसा लग रहा असली है, इसको खा लो टपक करके। और ये है हमारे ग्रेप्स, वाह ब्लू ग्रेप्स, बहुत अच्छा बनाई है गौहर। सब बच्चों ने बनाया था पर गौहर का ज़्यादा अच्छा लगा टीचर को, क्योंकि ये परफेक्टली लग रहा है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइए ये अच्छे बने हैं या कैसे बने, मतलब ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वाकई में देखो बच्चों को ये टैलेंट होता है बच्चों का, कि उनके पास कुछ अच्छा होता है बनाने का टैलेंट ऐसा है। और गौहर आज फ्रेंड के पास, वालेकुम अस्सलाम। तो गौहर जा रही थी उसकी फ्रेंड के पास खेलने के लिए, तो मैंने बोला चलो पहले अपना क्ले बता दो जो कल से मेरे पीछे पड़ी थी, बताओ बताओ। तो मैंने बता दिया गौहर, ठीक है तो अभी रख दो उठा के, कभी टीचर दोबारा से मंगाती है तो लगेगा। नहीं मंगाएगी टीचर दोबारा? क्यों? अच्छा ठीक है। देखिए मेरा सब पसारा पड़ा हुआ है, मुझे सारा क्लीन करना है, सब गंदा हो गया है, सब क्लीन करना है, तो सब साफ़ कर दूँगी मैं अभी। तो जब तक गौहर, ओ मेरा टैडी भाग रहा है, टैडा ए टैडी आओ इधर आओ, इधर आओ आ जाओ टैडी, आओ 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 आओ। नहीं आता है, बहुत गंदा लड़का ये, क्या करें अभी। और क्या क्या बनाने का चॉइस था, मतलब यही बनाना था सिर्फ, क्या और भी कुछ बनाने के चॉइस दिए थे टीचर ने? अच्छा अपनी मर्ज़ी से बनाया ना तुम लोगों ने, वही बोल रही हूँ। ये देखो इनकी मस्ती देखो, अरे बाप रे बाप क्या लड़ते रहते हैं लोग। टैडू को बहुत मस्ती है, टैडू को ला पकड़ के, टैडू को ला इधर 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 इधर। हाँ क्यों तेरे को बहुत मस्ती चढ़ी है? लो मेरे हाथ कट, मारो पकड़ के, मारो मारो। अरे देखो तो कैसे करता, देखो मस्ती देखो उसकी, मस्ती देखो, मस्ती 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 मस्ती। और ये हमारा है मुन्नू, और मुन्नू क्या बात है भाई, क्या खड़ा हुआ, नाश्ता पानी हो गया भाई? हो गया, इन लोगों का भी नाश्ता पानी हो गया है, तो हो गया अभी बस काम करने बचे हुए हैं, कपड़े वगैरह धोने हैं, घर की साफ़ सफाई है, सब करना है, खाना वगैरह तो नहीं बनाना है। और क्योंकि मेरा ज़्यादातर के खाना मेरा रात को ही बन जाता है, शाम को बनाती हूँ तो ज़ाहिर है वो बचेगा ही, इन केस नहीं रहता है तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ, वरना तो वही चल जाता है, हो जाता है। ऐसे ज़्यादा भुक्कड़ नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए दोपहर में उन लोगों को हो जाता है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ अभी स्कूल रहती है तो मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो वो भी रह जाता है, भाजी रोटी आज मैंने फ़िलहाल नहीं बनाया, जिन लोगों ने बटर रोल खा ली खाए, क्योंकि संडे छुट्टी मेरी बनाने की, रास्ता सिर्फ चाय बनाए। और अभी बजने आ रहे हैं 11, फिर बज जाएंगे 12। देखो हमारा टैडी बहुत बदमाश है, कोई काट रहा है अभी, देखो ये गुंडा किसी को चाहिए तो मुझे बोलो, भेजा दूँगी मैं इसको, चाहिए गुंडा किसी को? कैसे भागने की कोशिश करता है देखो, बहुत गुंडू है, गुंडो ए गुंडा, बहन को मार रहा है, बहनों को ऐसे मारता है, उनके पैर और पैर पे काटता है, जब गले पे काटेगा वो लोग ज़ोर से चिल्ला लेती, बच्चे लोग ऐसे काटता है, मेरे को बताया ऐसा है। और आया नीचे, क्या खेलने गया नीचे वो? अभी तो नहाना तो बचा हुआ है, खेल रहा है नीचे आयाज,
अच्छा क्या लाया था? बैट बैडमिंटन बैडमिंटन खेला उसके फ्रेंड के साथ। अभी तो उसका टाइम है नमाज जाने को, हाँ 2 घंटे के भी ऊपर है जाएगा। और अपना आपका कैसे जा रहा है संडे? अच्छा ही जाए सबका। ऐसे बाहर निकलते हैं संडे में या हमको छुट्टी मिल जाती है लेडीज़ लोगों को, स्पेशली कामों से आराम करने मिल जाए तो वो होगा हमारा असली संडे। बट ऐसा होता नहीं, इसके लिए हमको मालूम नहीं पड़ता संडे क्या है। बस इतना पता चलता है बच्चे है घर में तो हाँ संडे ऐसा, और बच्चे घर में है तो छुट्टियाँ हैं, हाँ छुट्टियाँ हैं। अभी पढ़ने वाली अगले महीने से दिवाली की छुट्टी मिलेगी है ना, 18-20 दिन की छुट्टी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती, 18-20 दिन मिलती है। वो भी कैसे निकल जाता है वक्त वो भी पता नहीं चलता, ऐसे हो जाता। मैं तो सारा काम बचा हुआ अभी करूँगी, स्टार्ट करूँगी 11:30 से स्टार्ट होगा। बच्चों का पहले नहाना हो जाए, फिर कपड़ा हो जाए मेरा, फिर मेरे ये सब काम हो जाए तो फ्री हो जाती हूँ मैं, ऐसा है। टेडी के मस्त क्या देखो बताती हूँ। टेडू ये क्या खेल रहा है? टेडा ये भी आ गई, ओ दबेली दबो दबो बड़ी। देखो बेन को देखता है, बेन क्या खेल रही है। गौर के पास क्ले बचा था तो गौर थोड़ा और कुछ बना रही है। क्या बना रही गौर? ऐसे कुछ भी, ऐसे कुछ भी बना रही है गौर। वैसे क्ले से बनाने को अच्छा लगता है क्योंकि क्ले बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट होते हैं। अगर फ़ैन में हवा मतलब हवा लगेगी ना, फ़ैन चालू हो रहा तो ये कड़क हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये नरम है तो इसका जो ये तो कितना सॉफ्ट है ना। अभी आपके बच्चे भी लाते होंगे, आपके बच्चे लोग भी खेलते होंगे, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो इसका हम कुछ भी बना, एक और एक किला आता है जो रेत के जैसा होता है, ये तो ऐसा है, इसको हम कोई भी शेप दे दे तो ये वो शेप में चेंज हो जाएगा। बट एक और एक आता है जो रेत जैसा होता है, वो मुझे अच्छा लगता है वाला किला, ये भी अच्छा ही है। वो कौन सा किले? सेंड सिलाई नाम है उसका, नहीं है भारी होगा। अयास के फ्रेंड्स आ जाते हैं ना, बुलाते रहते हैं, शायद इधर नीचे गया था बैडमिंटन लेकर वो, बट अब वो शायद नीचे चला गया, मतलब रोड पे कहीं गया होगा तभी वो गली में नहीं। फ्रेंड लोग भी बुला बुला के थक जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहता है लड़का, क्या मालूम कहाँ कहाँ जाते रहता है। लेकिन नमाज़ का टाइम होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर पहुँच जाता है, नमाज़ बराबर पढ़ लेता है, ऐसा है। हमारी बड़ी बिल्ली तो क्या ही बताओ उसके बारे में, बोलने के मैं थक गई हूँ कि वो करने से नहीं थक रही और मैं बोलने से थक रही। ये दोनों जन लड़ाई है, अरे बाप रे बाप, देख पानी के सारे नहीं है। फ्रेंड लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं और उनको बोल बोल के मैं थक जाती हूँ, तो ऐसा है। उसके फ्रेंड लोग को बोल दिया मैंने, वो बाहर है फिर भी हम लोग है ना सुनते नहीं है। कहाँ गई सद्दो बड़ी? बाहर का मौसम तो माशाल्लाह है, देखिए पर आयाज नहीं है नीचे भी मेरे हिसाब से, कहाँ है गली में नीचे नहीं है, वो होता तो आ जाता है। और हमारा टैडी क्यों मस्ती कर रहा है, बहन को मार रहा है टैडा। देखो ये हमारा मुन्नू खड़े हो जाता है इस तरह खिड़की में, और आयाज तो नीचे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है, इसको फ्रेंड बुला बुला के थक गए, पता नहीं कहाँ जाता है वो। चलिए तो मैं करती हूँ काम, मतलब पहले काम तो मेरा देखो भाई जो शुरुआत जहाँ से करो वो वहाँ से हो जाएगा शुरुआत, काम तो फिनिश तो करना ही, भले शुरुआत हम कहीं से भी करें। तो चलिए मिलती हूँ, बना दिए चाय और दोपहर में काम करने के बाद मैं ना मुझे इतनी नींद आई ना कि मैं सो गई, तो रह गया मेरा ब्लॉगिंग थोड़ा ही मैं कर पाई सुबह में। और अभी मैं सो कर अब उठी हूँ तो डायरेक्ट मैंने चढ़ाई है चाय, चाय हो जाएगी उसके बाद में बाकी का आगे का प्रोसीजर होगा। अरवी जाना है ना, कहा जाओ चलो नाश्ता कर लो। तो गौर लेकर आई जाके वापस से बटर, सुबह का तो ख़त्म हो गया था, वापस से लेकर आई है बटर, तो मैं और गौर खाएंगे चाय बटर। हाँ गौर हाँ। चलो बैठ जाओ। तो क्या कर रही थी फ्रेंड के साथ में? क्या तुम लोग दिन भर खेलते रहते, कितना कम पड़ता तुम लोग को खेलने को? बैठो वो प्याला उसमें से प्याला ला और कप लेकर आ मुझे येलो वाला प्याला भी ले ले। बैठो अभी हम लोग दोनों चाय पीते हैं, भाई तो नींद पता नहीं बहुत ही हो गई, नमाज ही पढ़ना है, चाय पी लेती हूँ अभी, अजान तो हो चुकी है। चाय पी के नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाती हूँ बाज़ार,
कल का दिन तो जैसे मंडे था, आई मीन मंडे है, तो हम लोग का जो मार्केट होता है इधर का बहुत ज़्यादा सजाते हैं, नहीं त्यौहार के हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन अभी ही सजा दिए इतना सारा, क्योंकि त्यौहार पता नहीं कौन सा त्यौहार, अभी तो क्या चल रहा है कुछ है इधर पे। हम लोग के जो हरियाणा वाले रहते बहुत सारे, शायद उन लोगों का कुछ त्यौहार ऐसा मैं सुन रही हूँ, कुछ कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ, तो आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा सजाया हुआ पूरा डेकोरेशन करे ऊपर, मतलब दुकानों के ऊपर ऐसा सब रोड पे पूरा सजाया है, तो मैं जाऊँगी तो आप लोग को बताती हूँ। अभी फ़िलहाल पे लेती हूँ चाय, चुकी है मैं निकाल लेती हूँ चाय, नहीं तो गौर को और भी जाने लेट हो जाएगा, बेचारी बच्ची को फटाफट जाती हो। चलो बैठ जाओ, आया तो भागा नमाज, जैसे अजान की आवाज़ हुई वो चला गया। ये भी चाय पी ले, मतलब नाश्ता कर ले गौर भी, मैं भी, फिर मैं नमाज पढ़ो, वो अपने अरबी जाए। तो ये हमारा बटर, मैं बटाटा बोल रही जा रही थी ये है हमारा बटर जो नीचे गिर रहा है, और मुन्नू भी खड़ा हुआ है, मुन्नू को भी खाना है बच्चे को, आ जाओ मुन्नू। तो चलिए हम खाते हैं, है ना गौर, गौर रेडी हो चुकी है, देखिए अरबी जाने के लिए उसका रेडी का लुक ये हो जाता है, अरबी जाती है बच्ची मेरी। तो चलो हम लोग खाते हैं बटर, मिलते हो फिर आपसे। मैं जाके आ गई अंबाबाड़ी, बाज़ार लेकर आई मैं ज़्यादा कुछ, भाजी तो समझ में नहीं आ रही, मैं जाकर सोयाबीन लेकर आई। कौन है सद्दो? हाँ सद्दो नीचे जाते, मैंने आपको बोली थी ना कि अंबाबाड़ी को सजाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, जाके देखिए तो पूरा डेकोरेशन उन्होंने निकाल दिया, पता नहीं कब निकाले, शायद दिन में निकाले, कल शाम का तक तो था ही, शायद उनका त्यौहार हो गया इसलिए शायद। तो सबसे ज़्यादा सस्ता अभी चल रहा है मार्केट में टमाटर 20 रुपये किलो, और जो कांदा है वो 100 रुपीज़ किलो हो चुका है, कल के ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि वो 300 तक पहुँच जाएगा, और लहसुन का भाव भी कुछ लगभग ऐसा ही है आसपास, काफ़ी दिनों का मैंने ली नहीं, लेकिन जो दूसरे भाभी लोग उन लोग से सुनती हैं, लोग बोलते हैं, और अपना बिट लेकर आई मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर वो सब। तो चलिए अब मैं सोयाबीन ही बना लेती हूँ, क्योंकि भाजियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए चलिए देखती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, थोड़ा मतलब ग्रेवी वाला थोड़ा गाढ़ा जैसा बनाऊँगी, उसको मैंने धो लिया है 3 पानी से, अच्छा छोटा छोटा भी कट भी कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ इस बार आलू, गई बार मैंने आलू नहीं डाला था, इस बार मैं आलू डाल रही हूँ, थोड़े से डाल रही हूँ ज़्यादा नहीं, और ले लिया मैंने कांदा टमाटर, और मसाला पीसने में ले रही हूँ मैं मिर्ची अदरक लहसुन कोथमीर और सूखा नारियल। एक्चुअली गिले नारियल वाली आंटी बैठती थी जो दे देती थी अच्छा खासा 10 रुपये में आधा बाटी, पर वो नहीं बैठी शायद, पता नहीं क्या है। तो मैंने डाला है इसके अंदर सूखा खोपरा, तब इसको मैं पीस लूँगी, और उसके पहले मैं फ्राई करूँगी आलू, तो मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई में, अब तेल गर्म हो रहा है, गर्म हो जाएगा तो मैं आलू फ्राई कर लूँगी। फ्राई कर लिया है आलू, कर रहा हूँ फ्राई कर लिया है आलू, देखिए ज़्यादा डार्क हो गया, ऐसे अच्छे लगते हैं। लिया है सारा मसाला तेल में, पहले डाला कांदा टमाटर और जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो, अभी इसमें डालना है, वैसे मैं हरा बना रही हूँ तो मैं मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी, हल्दी पाउडर भी नहीं, सिर्फ गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए मैंने चिकन मसाला पाउडर डाला है, ये आपके पास होममेड पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, ये जब भून जाएगा अच्छे से तो इसमें मैं सब डाल दूँगी, ठीक है। ये मेरा मसाला हो चुका है, अच्छे से भून गया है, जब मसाला हम भूनते ना तो हमारा तेल वो रिलीज़ होता है ना तेल, तो समझ जाओ कि मसाला हमारा हो चुका है। तो मेरा मसाला हो चुका है, मैं इसके अंदर सोयाबीन डाल देती हूँ। तो मैंने डाल दिया है सोयाबीन और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, पर मुझे पानी कम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि पानी उसके अंदर डूब जाए थोड़ा सोयाबीन, उसके बाद हमको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना इतना, इसलिए। तो मैंने डाल दिया है पानी, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है, चेक कर लिया है नमक कितना है, और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। सोयाबीन तो वैसे नरम होता है, वो तो भिगाने पर भी नरम हो जाता है, और मैंने आलू भी डाल दिया है साथ में, तो फ्राई किया था इसके लिए आधा तो आलू वैसे ही पक गया है। तो चलिए अभी इसको देते हैं पकने, हो चुका है सोयाबीन बनाकर, देखिए बन चुका है। मैंने इसमें नमक वगैरह सब चेक कर लिया है, और थोड़ा मैंने गाढ़ा रखा कि चावल के साथ में खा सके, एकदम पतला नहीं किया है, थोड़ा ऐसा रखा है ताकि आराम से खा ले चावल के साथ में। तो चलिए मेरा ये बन चुका है सोयाबीन, खाना बनाकर हो चुका है, बैठी थी मैं कपड़ा खड़ी करने के लिए, देखिए
ये सब कपड़े खड़ी करने के लिए बैठी हूँ, मेरे कपड़े खड़ी हो गए हैं और जो मैंने धोए थे धुले हुए कपड़े थे मैंने ऊपर सुखा दी हूँ, सब अभी सुखा देते तो अच्छा रहता है ना। और ये मैंने घड़ी कर ली है, सब कपड़े अभी रख दूँगी, फिर हम लोग बैठ जाएंगे खाना खाने की। बजने आ रहे हैं 10:15, देखिए 10:15 होने आ रहे हैं। अगर अभी नहीं बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बच्चों को भी भूख लग रही है, इन लोगों को भी खाना देना है। और मैंने अपने कपड़े कर लिए घड़ी, एक्चुअली कपड़े खड़ी करने रहते हैं ना तो टाइम हो ही जाता है, और मेरे क्या सुखाने के भी थे कपड़े। और गौहर का चालू है मेकअप। हाय गौहर, व्हाट इज दिस मेकअप, क्यों कर रही है मेकअप? ऐसे ही कर रही है मेकअप, वाह बहुत अच्छी लग रही है। और गौहर नीचे था, अयाज नीचे था, देखो आके चढ़ जाता, देखो जरा इसके चढ़ने के नाटक, देखो इसके चढ़ने के नाटक देखो। अयाज बॉल खेल रहे हैं, अभी खाना खाने का है, 10:15 हो रहे हैं, जल्दी चल, खाना नहीं खाना है। और क्या ढूंढे, सब कपड़े डाल नीचे में घड़ी करने का, दे वो भी दे, सब दे। बॉल का है, बॉल पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं ली थी तेरे बॉल, कहाँ ढूंढते रहता तू, क्या कर रहा अभी? अरे मत जा अभी, आ जा, 5 मिनट है सिर्फ, जल्दी आओ, देखो भाग गया। और ये देखो हमारी बिल्लियाँ तो ऐसा करता है, देखो यार भाग गया अभी, उसको बुला बुला के फिर मैं थक जाऊंगी, फिर हम लोग खाना खा लेते, वो लास्ट में खाता है। अरे मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, देखो मेरा बेटा, ये मेरा सोनू, सोनू मम्मा को सोनू देखो। खाना नहीं खाएगा तू, खाना नहीं खाएगा टेटू? और मेरा सोनू बहुत पसंद है क्योंकि वो इतना प्यारा है ना, था सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, पर्शियन बोलते हैं ना शायद इसको, पर्शियन बिल्ला जैसा लगता है, तुम चीज सब गले में बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे कभी लगता है कि लेकर ना चले जाए कोई, तो मेरे को ढूंढने निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ हमें पसंद होती है, कोई ले जाए, हम दे तो अलग बात है, लेकिन कोई ले लिया ऐसे तो ख़राब लगता है। हमारी बिल्ली बैठी है खिड़की में, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि पर्दा ढका हुआ है, सामने गैलरी नहीं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग पर्दा ढक के रखते हैं, कभी खोल ली तो खोल लिए, ये तो ऐसा है। आज का दिन तो देखो इस तरह ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा मतलब आज भी 11 किताब थी, शाइन जाकर आई तो हम लोग की गली में ऊपर सामने था, रोज़ाना मतलब 2-3 जगह हो ही रहा है 11 किताब पढ़ना, बहुत जगह इधर पे ना बहुत लोग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक बार हुआ ना 11 किताब पढ़ा कर तो दोबारा से भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखो ऐसा अभी अगले साल इंशाल्लाह, अभी तो चलो महीना चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली में, चल रहा है महीना, अभी 11 किताब पढ़ा सकते कभी भी आप। आज क्या तारीख है, 11 कल 11-12 आज 13 तारीख है उर्दू की, और इंग्लिश की 30 तारीख है आज, नहीं 29 है ना, हाँ 29 तारीख है, 29, और उर्दू की 13 तारीख है, क्योंकि परसों 11 थी, 12 आज संडे 13 बराबर। हम लोग की टी वी बंद है, थोड़ी ख़राब भी होने आ गई, वो बहुत पुरानी टी वी है ना एकदम, मतलब वो टी वी एकदम मतलब पहले बहुत पुरानी ही बोला जाएगा उसको, पुरानी टी वी बहुत ज़्यादा, इसके लिए क्योंकि चल रही थी खटर खटर करके, फिलहाल अभी बंद हो चुकी है। और देखिए चलिए मेरे तो कपड़े हो चुके हैं, मैं रख देती हूँ उनको कबाट में और फिर बैठते हैं खाना खाने। हो गया खाना, बज रहे हैं 11:05, 12:25 है, 12 बज जाएंगे वैसे, बिस्तर बिस्तर खाना वाना तो हो गया, तो साफ़ सफाई झाड़ू झाड़ू मार रहे, बर्तन वगैरह शाइन घस ली। और जैसे कि आज का दिन तो हो गया कम्प्लीट हमारा, पूरा हो गया है, मैंने लाइटें नहीं निकाली है, लाइट अभी भी है मेरी लगी हुई, देखिए लाइटें अच्छी लगी माशाल्लाह, निकालने का एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा अभी, और 11वीं शरीफ का महीना है तो लाइटें रहने देते, 11वीं शरीफ के महीने में अच्छा लगता है। फिर क्या शाबान कुंडे की न्यास का महीना है, फिर शबे बारात आएगी, ये सब चीज़ों में लाइट की ज़रूरत पड़ती है और अच्छा भी लगता है ना, अलहमदिल्ला। और शबे बारात में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सब जाते हैं कब्रिस्तान ये सब, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी लाइटें माह रमज़ान में तो एक और लाके लगा देंगे, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, लगा देंगे। और अभी तो फिलहाल खाना वगैरह हो गया, देखा ना आपने मेरी रेसिपी, अगली बार भी मैंने सेम रेसिपी बनाई थी लेकिन उसमें आलू नहीं डाला था और वो बहुत ज़्यादा घट रखा था मैंने, मतलब घट था, ये थोड़ा मैं नॉर्मल है मीडियम बनाया लेकिन राइस के साथ नहीं खा सके। हमारा खाना हो चुका है, हमारी बिल्ली का खाना अभी भी चल रहा है, शायद झाड़ू मारते मारते रुक गई है क्योंकि वो लोग खाना खा रहे हैं तो झाड़ू मार लेगी पूरा, और लोग खाना खाने के बाद उनके खाने में कचरा जाता है तो रुक गई है, बैठ गई थोड़ा, क्या हो रहा है नीचे आवाज़ आ रही है, बच्चे लोग हैं, मेरे घर तो नीचे गई नहीं है, इसके फ्रेंड्स लोग हैं, उनके अब्बा के साथ बातें कर रहे हैं,
चलो देखा। और क्या बोलना था, कुछ तो बोलना था, मैं भूल जाती हूँ। लगता है मुझे बादाम खाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे याद ही नहीं आता। मैं कुछ सोचती हूँ, बोलने जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, ऐसा है। तो हाँ, मेरी तो ना ये दवा ख़त्म हो गई है, वो मुझे लाने जाना है। रोज़ सोच रहे लाने जाओ लाने जाओ, मैं भूल जा रही हूँ। कल जाऊँगी इंशाल्लाह, बोरीवली फिर जाना पड़ेगा और लेकर आऊँगी, क्योंकि दवा लाना ज़रूरी है। मेरे पैर का भी तब ठीक से हुआ नहीं, दर्द वगैरह होता ही रहता है मुझे ज़्यादा चलने पर, इसलिए मैं स्टेशन के पास भी देखते ना मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा देर। फिर थोड़ा 5 मिनट का रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद मैं चल सकती हूँ। तो यहाँ से वहाँ चल के, मेरे को तो पहले ना इतना अच्छा मैं चल लेती थी ना, कि आप मुझे यहाँ से चला के ना अजमेर शरीफ लेके चलेगा। चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। पर कंडीशन मेरी ऐसी हो चुकी है ना कि चलना थोड़ा हो गया। लेकिन है ना, अभी क्या हुआ था मालूम, थोड़े दिन पहले मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब अचानक से सडनली दर्द हुआ। तो मैंने सोचा दर्द क्यों हो रहा कमर में, ऐसा मैंने कभी भारी उठाया नहीं है। मैंने उठाती भारी, जब से ऑपरेशन हुआ है ना मेरा, तो मैंने भारी उठाना बंद कर दिया है। ज़्यादा भारी रहता है तो बच्चों को बोल देती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कम कर देती हूँ वो चीज़ें उसके अंदर जो है भारी करने की। ये लेस आ गया ना थोड़ा जी, तो मैं खुद ही कम कर देती हूँ। क्योंकि 2-3 दिन मेरा कमर में जो कहा था, और कमर में दर्द की वजह से जहाँ मुझे पैर में चलने पर दुखता है ना, वो मुझे ज़्यादा दर्द फील होने लगा बिना चले। तभी मेरी घंटी बजी, मेरी सही घंटी बजी का नहीं बजी ये आप लोग मुझे बताइए ज़रा कमेंट में। क्यों बताऊँ, क्योंकि ऐसे में चलती थी ना तो मुझे दर्द चालू हो जाता था, बम से मैंने पैर के वहाँ से दर्द चालू हो जाता ऊपर से। लेकिन बिना चले मेरे को 2-3 दिन पहले, अभी तो थोड़ा अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन 2-4 दिन पहले ना ऐसे ही हो रहा था, कमर में दर्द पकड़ा। और वो दर्द की वजह से नीचे दर्द ना मेरे को जो चलने पर होता था ना, वो नॉर्मली नहीं हो रहा है, उठ रही बैठ रही तो दर्द हो रहा है। तो तब मेरी घंटी बजी कि मेरे को कमर के दर्द की वजह से ये दर्द हो रहा नीचे का। शायद नस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, और खून ब्लॉकिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई भी पैर का प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे ना कमर के दर्द की वजह से नीचे दर्द फेंक रहा है, और ये होता ही है। लेडीज़ लोग को देखो, जब डिलीवरी होती है और अपना कमर इतने वजन वजन वो चीज़ें उठाती घर में, तो कमर का लाजमी हर लेडीज़ को कमर का दर्द का प्रॉब्लम होता ही है। कुछ दर्द होता है तो कमर तक ही रहता है, कुछ दर्द होता है कमर के नीचे तक उतर जाता है। तो वो दर्द की वजह से हम चलना फिरना हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कमर के दर्द वाला, मैंने बीच में कमर के दर्द की भी दवा खाई, काफ़ी खाई गई अपना होम्योपैथिक दवाएँ जो आयुर्वेदिक होती है, बट ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ दवा चेंज करूँ, जैसे शायद बोले मैं देखती हूँ मोबाइल पे कौन सी दवा लाना चाहिए हमको सही में, तो ये दवा लाऊँगी, नहीं तो फिर मैं जो मैं खा रही हूँ नॉर्मली, अभी मैं जो खाती हूँ दवा ये वाली, मैं ये वाली ले रही हूँ दवा। तो ये दवा नस का जो ब्लॉकिंग होता है ना, उसको खुलने की दवा, ये नस ब्लॉक जो हो जाते हैं वो खुलती है, बट नस मेरा ब्लॉक शायद नहीं है। क्योंकि ना जो मुझे दर्द हो रहा है ना, वो कमर का दर्द ज़्यादा था, तब मुझे बम में बहुत दर्द हो रहा था, उससे फिर सीधा नीचे जाता है। या हो सकता है कि नस का प्रॉब्लम हो और कमर का भी, दोनों हो सकते हैं। तो अभी देखेगी शायद कौन सी दवा लाना है, कम यही लाएँ या दूसरी लाएँ, देखते हैं अभी फ़िलहाल। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का ब्लॉग आपको देख लीजिए कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और अपना ख्याल रखिए, 11वीं शरीफ आप लोगों को मैंने पहले ही बोला, रबी बोली बहुत 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 मुबारक हो। और अपने घर पे 11 किताब पढ़वाइए, इसे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। और फातह वगैरह भी ज़रूर कराइए, और अपना अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआ में बेशक याद रखूँगी, मैं रखती हूँ याद। और चलिए, आज का दिन तो फ़िलहाल हो चुका है ख़त्म, कल होगी नई शुरुआत, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।